কিভাবে মৃত্যু হলো বিকাশ দুবের উত্তরপ্রদেশের এডিজি ঠিক কি জানিয়েছেন শুনবো। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उसको डेड घोषित किया गया है। এমন একটা এনকাউন্টার হলো কিন্তু এডিজির কথায় সেই জোশ কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। যাই হোক, এর এই নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক জোরদার। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী প্রশ্ন তুলেছেন এই নিয়ে মুখোশধারীরা সামনে আসুক, সেই দাবি করেছেন তিনি। সেনাবাহিনী এবং পুলিশের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় কংগ্রেসের দস্তুর, এমনটাই পাল্টা সমালোচনা বিজেপির এবং পাশে কিন্তু শিবসেনা। বিকাশ দুবেকে এনকাউন্টার কে বাদ जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए कराओ? नहीं कर सकते। वो कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जावाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। 8 पुलिस वालों की हत्या जिसने की है, जिस गिरोह ने की है, उनको अगर पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है तो आप पुलिस के कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकते। किसकी जाँच करेंगे? एनकाउंटर की जाँच करेंगे या जिस पुलिस, जिस 8 वर्दी वालों की हत्या हुई है उसकी जांच करेंगे? या तथाकथित एनकाउंटर में सिर्फ विकास दुबे की हत्या नहीं हुई है, उसकी मौत नहीं हुई है, विकास दुबे के साथ तमाम जो सच बाहर आने थे उनका भी एनकाउंटर हो गया। कांग्रेस बीजेपी मध्य गोटा विषय सीमाबद्ध नहीं আর এ নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন একেবারে তুঙ্গে। দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যোগী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেখেছেন, টুইট করেছেন। অখিলেশ যাদব টুইট করেছেন, তিনি বলেছেন গাড়ি উল্টায়নি শুধু, যদি বিকাশ দুবে বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো গোটা সরকারই উল্টে যেত। অখিলেশ যাদব এই টুইট করেছেন। একই টুইট করেছেন মায়াবতী, তার দাবি সুপ্রিম কোর্টের নিরপেক্ষ বিচারপতিকে দিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত করা উচিত। এ নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তর দাবি করেছেন তিনি এবং সুপ্রিম কোর্টে নজরদারি চেয়েছেন। বিকাশ দুবের গাড়ি উল্টে যাওয়া এবং পুলিশের হাতে মৃত্যু, দুই তদন্ত করেছেন মায়াবতী। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রতিক্রিয়া এসেছে। মহুয়া মৈত্র তোপ দেখেছেন, বিচার করা আদালতের কাজ, পুলিশের কাজ অভিযুক্তকে আদালতে পৌঁছে দেয়া। দেখে অবাক হচ্ছি, বিজেপি শাসিত দেশে দুটোর ভূমিকাই বদলে গেছে।